हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने हमारा साइन अप सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, इस वीडियो में हमारे यूजर का डेटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो हमने पिछले वीडियोस में फुल नेम के साथ कुछ नहीं किया था क्योंकि हम साइन अप सिस्टम पे काम कर रहे थे, यानी कि जो यूजर का अकाउंट क्रिएट कर रहे थे। अब इस वीडियो में हम यूजर का जो डेटा है उसे हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले हम जो हमारे एडिट टेक्स्ट में जो एरर आइकन था उसे चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एरर आइकन जो है वो डिजाइन करके रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है एरर आइकन। तो मैं इसे जल्दी से एंड्रॉइड स्टूडियो में इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपना जो एरर आइकन है उसे इंपोर्ट कर लिया है, ये रहा कस्टम एरर आइकन। तो इसे जल्दी से हम पहले सेट कर लेते हैं। तो हम ओपन करेंगे साइन अप फ्रेगमेंट डॉट जावा। अब जहां पे हमने एरर जो चेक ईमेल एंड पासवर्ड मेथड बनाया था उस पे आ जाएंगे हम, चेक ईमेल एंड पासवर्ड मेथड पे। अब यहां पे एकदम ऊपर हम ड्रॉएबल बनाएंगे हमारे एरर आइकन के लिए। तो यहां पे टाइप कीजिए हम नाम देंगे कस्टम एरर आइकन। गेट रिसोर्सेस, गेट ड्रॉएबल, कस्टम एरर आइकन। उसके बाद इस कस्टम एरर आइकन पे हम बाउंड सेट करेंगे। पहले कस्टम एरर आइकन आएगा उसके बाद। ओके, तो हमने यहाँ पे ड्रॉएबल जो है वो बना लिया है, अब हम इसे सेट कर देंगे। हमने दो जगह पे सेट एरर मेथड का यूज किया था, एक तो कंफर्म पासवर्ड पे और दूसरा ईमेल वैलिडेशन पे। तो दोनों के एल्स स्टेटमेंट पे आ जाएंगे हम और यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर पास करेंगे जो कि हमारा कस्टम एरर आइकन होगा। सेम चीज यहां पे भी कर देंगे। ओके, तो हमने सक्सेसफुली जो है हमारा एरर आइकन उसे चेंज कर दिया है। बिल्ड और ग्रेडल फाइल पे आ जाएंगे। तो यहां पे हमें ये वाली लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, तो हम गूगल पे चलते हैं वापस से और यहां पे कॉन्सोल पे क्लिक कीजिए। कॉन्सोल पे आने के बाद यहां पे डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद गेट स्टार्टेड फॉर एंड्रॉइड। जैसे हमने ऑथेंटिकेशन की लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी या डिपेंडेंसी लाइन कॉपी की थी, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे फायर स्टोर का जो डिपेंडेंसी लाइन है वो ऐड करेंगे। तो यहां से क्लाउड फायर स्टोर, ये रहा थर्ड वाला, तो इसकी डिपेंडेंसी हम कॉपी कर लेंगे यहां से और हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले हमें इम्प्लीमेंटेशन टाइप करना है, उसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मैं ये कमेंट को हटा देता हूँ। ओके, अब हमें यहाँ पे सिंक नाउ बटन पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा सिंक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। अब वापस से साइन अप फ्रेगमेंट डॉट जावा फाइल पे आ जाइए। ओके, अभी कोडिंग शुरू करने से पहले हमें एक और चीज सेट करनी है हमारे डेटाबेस में। तो वापस से गूगल क्रोम पे आ जाइए और हमारे जो प्रोजेक्ट है उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां पे डेटाबेस पे आ जाइए। उसके बाद यहां पे रूल्स पे क्लिक कीजिए।
ओके, तो यहाँ पे हमें ये रूल्स पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फॉल्स लिखा होगा, तो इसे हमें चेंज करना है। ओके, तो हमें ये चीज टाइप करनी है, यहां से मैं कॉपी कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट ऑथ डॉट यू आई डी इज नॉट इक्वल टू नल। तो यहाँ पे सिंपली ये टाइप कर दीजिए, रिक्वेस्ट डॉट ऑथ डॉट यू आई डी इज नॉट इक्वल टू नल, उसके बाद पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए। ओके, तो हमने रूल्स जो है वो सेट कर लिए हैं, तो अब हम वापिस से चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे। ओके, तो अब हम कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फायर स्टोर का वेरिएबल जो है वो बनाना है, तो हम सबसे पहले फायर स्टोर का वेरिएबल बना लेते हैं। फायरबेस फायर स्टोर, उसके बाद इस वेरिएबल को असाइन कर लेते हैं ऑन क्रिएटिव मेथड पे। ओके, तो हमने यहाँ पे जो फायरबेस फायर स्टोर का वेरिएबल है उसे असाइन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यूजर का जो फुल नेम था उसे हमें डेटाबेस में स्टोर करना है। तो अब हम चेक ईमेल एंड पासवर्ड मेथड पे चलेंगे, तो इस मेथड पे आ जाइए चेक ईमेल एंड पासवर्ड पे। अब यहाँ पे जब यूजर क्लिक करता है तो सबसे पहले ईमेल वैलिडेशन चेक होता है, उसके बाद पासवर्ड मैचिंग फंक्शन चेक होता है, उसके बाद जो है जो यूजर का जो आईडी यूजर का जो अकाउंट होता है वो क्रिएट होता है ईमेल और पासवर्ड की मदद से। फिर जब अगर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, यूजर को मेन एक्टिविटी पे शिफ्ट कर देते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, मेन एक्टिविटी पे शिफ्ट होने से पहले यूजर का जो फुल नेम है उसे डेटाबेस पे स्टोर करना है। तो हम यहाँ पे जैसे ही टास्क सक्सेसफुल हो जाता है यानी कि यूजर का अकाउंट बन जाता है, उसके बाद यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे कि जो यूजर का फुल नेम है उसे हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सबसे पहले हमें एक मैप ऑब्जेक्ट बनाना है या मैप वेरिएबल बनाना है कुछ इस तरीके से। ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग, उसके बाद इस वेरिएबल को हम दे देंगे नाम यूजर डेटा। न्यू हैश मैप, अब इस यूजर डेटा में हम फुल नेम को ऐड करेंगे इस तरीके से, यूजर डेटा डॉट पुट। अब यहाँ पे दो पैरामीटर देने हैं, फर्स्ट पैरामीटर हम जो फील्ड का नाम देंगे और सेकंड उस फील्ड की वैल्यू। जैसे कि हमें फुल नेम जो है यूजर का वो स्टोर करना है, तो यहाँ पे हम जो फील्ड है उसकी नेम दे देंगे, फील्ड का नेम दे देंगे, तो वो फुल नेम और फील्ड की वैल्यू देंगे जो कि हम एडिट टेक्स्ट में से ग्रैब करेंगे। तो फुल नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे हमने फुल नेम जो है वो हमने एडिट टेक्स्ट में से ले लिया है। अब हमें इस ऑब्जेक्ट को अपलोड करना है हमारे डेटाबेस में, तो हम यहाँ पे फायर स्टोर का जो हमने वेरिएबल बनाया था उसका यूज करेंगे, फायरबेस फायर स्टोर डॉट कलेक्शन। अब यहाँ पे कलेक्शन को आप फोल्डर भी कह सकते हैं या डायरेक्टरी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूजर्स नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, यूजर्स, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे ऐड, और यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट पास कर देंगे यूजर डेटा। ओके, उसके बाद इस पे एक कंप्लीट लिस्नर भी हम ऐड कर देंगे। ओके, यहां पे एक सेमी कॉलन भी दे देगा। ओके, तो यहां पे क्या होगा, फायरबेस फायर स्टोर जो है वो एक यूजर्स नाम का फोल्डर बनाएगा। अब उस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाएगा जो जिसका नेम वो ऑटोमेटिकली रैंडम नेम जनरेट करके वो दे देता है, और उसके बाद उस फाइल के अंदर यूजर का जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा। अब उस पे हमने ऑन कंप्लीट लिस्नर सेट किया है, तो सेम जैसे यहाँ पे टास्क सक्सेसफुल हमने इफ एल्स स्टेटमेंट
बनाया था वैसे यहाँ पे भी बनाएंगे। इफ टास्क इज सक्सेसफुल तो ये कोड रन होगा, और अगर टास्क कुछ एरर होगा तो यहाँ पे हम उसे टोस्ट में दिखा देंगे। इसे हम सिंपली नीचे से कॉपी कर सकते हैं। तो ये जो पूरा एल्स स्टेटमेंट है ये हम कॉपी करेंगे और वहां पे पेस्ट कर देंगे। ओके, अब ये जो इंटेंट था उसे हम यहां से कट कर लेंगे, और अगर टास्क सक्सेसफुल हो जाता है यानी कि फुल नेम जो है वो डेटाबेस में स्टोर हो चुका है, उसके बाद हम यूजर को जो है मेन एक्टिविटी पे शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो हमारा जो डेटाबेस का जो फंक्शन था वो भी रेडी हो गया है। इसमें ज्यादा कुछ कोडिंग था नहीं, बस थोड़ा सा ही था। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऐप जो है वो लॉन्च हो चुका है। तो हम चलते हैं हमारे साइनअप फॉर्म पे। सबसे पहले तो हम हमारा जो एरर आइकन है वो चेक कर लेते हैं। ओके, तो हमारा एरर आइकन एकदम अच्छा दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम सही तरीके से काम कर रहा है। ओके, तो अब हम एक न्यू आईडी बना लेते हैं। न्यू साइन अप फॉर्म है तो न्यू आईडी बना लेते हैं। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, रैंडमली कुछ भी नाम दे देता हूं। पासवर्ड देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8। देन साइन अप करते, द ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी यूज। ओके, तो यहां पे कुछ दूसरा ईमेल, सिर्फ js रैंडम। ओके, तो वापस से हम साइन अप करते, नाम हमने हितेश दिया है यहाँ पे। ओके, तो हम साइन अप हो गए हैं। अब हम डेटाबेस में चेक कर लेते हैं क्या हमारा नेम जो है वो डेटाबेस में स्टोर हुआ है या नहीं। तो चलिए अब हम चलते हैं वापस से गूगल क्रोम पे। यहाँ पे डेटाबेस, डेटा पे क्लिक कीजिए। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक यूजर्स नाम का कलेक्शन बना है जिसके अंदर एक रैंडम नेम से एक डॉक्यूमेंट बना है, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारा नाम जो है वो सक्सेसफुली स्टोर हो चुका है। तो हमारा डेटा जो है वो सक्सेसफुली स्टोर हो रहा है, यूजर डेटा। और ऑथेंटिकेशन में देख लेते हैं, यहाँ पे तीन यूजर्स हैं अभी जो हमने जिस आईडी से अकाउंट बनाया है वो ये है, ये वाली आईडी से हमने अभी जो अकाउंट बनाया है। तो हमने इस वीडियो में हमारे यूजर का डेटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर कर लिया है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।